कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखिलाफ के बाद पाकिस्तान का इस खित्ते में किरदार मज़ीद बढ़ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने और CIA चीफ से मिलने के इनकार के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो गया है। दूसरी जानिब तालिबान की काबुल की जानिब बढ़ती हुई पेशकदमी ने जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को परेशान कर रखा है, वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त पाकिस्तान को भी है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बयानात भी दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस खित्ते से वाकई निकल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर चीन को और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का ज़रखेज़ गुलाम कौन होगा? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ चीन अपने पूरे जाहो जलाल से सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के इस खित्ते में नए किरदार के बारे में बात करेंगे और बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अफगानिस्तान से मुतलिक बयानात का तकाबली जायजा लेंगे। क्या वज़ीर आज़म वो कर पाएंगे जिसके बारे में वो बयानात दे रहे हैं? दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनकलाब के बाद पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम तरीन पॉलिसी बयानात सामने आए हैं। अमेरिकी TV चैनल और अखबार को अपने इंटरव्यू में एक तरफ तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान सब कुछ करेगा लेकिन अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकेगा जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के दीगर हकाम मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के मसले का ऐसा सियासी हल ना निकाला गया जो तालिबान के लिए भी काबिल कबूल हो, तो अफगानिस्तान में खून रेज खाना जंगी हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि यह खदशा दुरुस्त भी है, क्योंकि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अफवाज के इनकलाब से पहले ही अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ी से तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। दोस्तों, अफगान हुकूमत और अमेरिका से तालिबान के तवील मुजाकरात नतीजा खेज नहीं हो सके, जंग बंदी भी नहीं हो सकी, जबकि तालिबान की पेशकदमी भी आज भी जारी है। इत्तेहादी अफवाज के इनकलाब के बाद इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि तालिबान काबुल की जानिब पेशकदमी करने के लिए भरपूर अस्करी मुहिम जोई करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में इंतहाई एतमाद के साथ ये बात कर दी कि तालिबान से कह दिया गया है कि वो काबुल पर कब्जा ना करें। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या तालिबान वज़ीर आज़म इमरान खान की बात मान लेंगे? क्या तालिबान अलकायदा और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोह अपने वो अहदाफ तर्क कर देंगे जिनके लिए वो अशरों से लड़ रहे हैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह पेचीदा है, इस तरह मज़कूरा बाला सवालात के जवाबात भी सादा नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह दो टोक मौकफ इख्तियार किया, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए, इस तरह पाकिस्तान को पराई जंग से निकालने और आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद डालने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद कुव्वतों का दरीना ख्वाब है, लेकिन क्या एक सविलियन वज़ीर आज़म मुल्क की दीगर सियासी कुव्वतों के साथ हालत जंग में रहते हुए इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकता है? हम वज़ीर आज़म के बयानात को इस तनाजुर में नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की कुछ सियासी कुव्वतें उन्हें तालिबान का हामी कहती हैं। हम इस बात में भी नहीं उलझना चाहते कि इमरान खान अफगानिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत, पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों और अमेरिकी जंग में पाकिस्तान को धकेलने की हमेशा मुखालफत करते रहे। इसके बावजूद पहले उनकी सियासी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और फिर मरकज में हुकूमत मिली। हमें सिर्फ आज के मारूजी हालात में वज़ीर आज़म के बयानात का जायज़ा लेकर मज़कूरा बाला सवालात का जवाब हासिल करना चाहिए। मारूजी हालात जानने के कुछ मगालतों और गलत मफरूजों से निकलना होगा। दोस्तों, पहला गलत मफरूजा यह है कि अमरीका अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है और वो मजीद मुआशी फौजी और सियासी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि
20 साल से ज़्यादा अरसे तक अमेरिका और उसके इतिहादियों की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इसके तमाम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पूरे हुए। ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि मशरक़ वस्ती में जो तबाही हुई उससे आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतों के मुआशी और सियासी मफादात का हसूल मुमकिन हुआ। अमरीकी और इतिहादी अफवाज की मुहिम जोइयों पर सरमायाकारी कसीरुल कौमी इदारों की स्पॉन्सर्ड होती हैं। दोस्तों, दूसरा गलत मफरूजा यह है कि तालिबान, अलकायदा और दीगर इंतहा पसंद ग्रोह अमेरिका से लड़ते रहे। हकीकत यह है कि इन ग्रोहों की वजह से अमेरिका को इस खित्ते में फौजी मौजूदगी और मुहिम जोई का जवाब मुयसर आया। ये इंतहा पसंद ग्रोह बकौल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका और उसके इतिहादियों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने दीगर मुसलमान ग्रोहों और हकूमतों से लड़ते हैं। अब की सूरत हाल की देख लें, अमरीका ने भी अपना इनकलाब मुकम्मल नहीं किया। तालिबान ने तकरीबन 86 इजला पर अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है और इन इजला में न सिर्फ तालिबान अफगान फोर्सेस के साथ दस्तों गिरेबान हैं बल्कि वहाँ के अवाम भी तालिबान के आताब का शिकार हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, तीसरा गलत मफरूजा ये है कि तालिबान, अलकायदा और दीगर ग्रोह दुनिया भर में मजहबी रियासतों के क़याम के अपने आदाब से दस्तबरदार हो जाएंगे या उन्हें दस्तबरदार कर दिया जाएगा। हकीकत यह है कि अमेरिका इस खित्ते को मजीद बदअमनी में झोंकने के लिए इनखला का ड्रामा रचा रहा है ताकि चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खास तौर पर सी पैक में रुकावटें पैदा हों। दोस्तों, तालिबान और दीगर ग्रोहों का इस बदअमनी में एक नया किरदार होगा। इसी वजह से तालिबान ना रूस चीन की मदद लेने पर आमादा हैं, न तुर्की के अफगानिस्तान में फौजियों के क्याम पर राजी हैं और न पाकिस्तान के अमरीका को फौजी अड्डे देने की खबरों पर खुश हैं। दोस्तों, चौथा गलत मफरूजा यह मगालता यह है कि माजी की पाकिस्तानी हुकूमतों ने अमरीकी जंग में मुलव्वस होकर ऐसी गलती की जो नादानिशगी में हुई। हकीकत यह है कि 1978 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के मुदाखलत से पहले पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की हुकूमत और फिर 9/11 के वाक़े से कबल पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ़ की हुकूमत कायम हुई। ये कोई इत्तफाकात नहीं है। पांचवा गलत मफरूजा यह है कि तालिबान के सारे ग्रोह पाकिस्तान के हामी हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमरीकी इनकलाब के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान के ऐसे ग्रोह भी सामने आएंगे जो ना सिर्फ एक दूसरे के मुखालिफ होंगे बल्कि पाकिस्तान के भी मुखालिफ होंगे। और अफगान हकूमत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका जिक्र हम पहले ही इस वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, मज़कूरा बाला गलत मफरूजों और मुगालतों को एक तरफ रखते हुए हकाइक का तजिया किया जाए तो मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इस खित्ते में हमारी सोच से ज़्यादा बदअमनी और अदम इस्तेकाम के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और ये बदअमनी अमरीका की जानिब से फैलाई जा रही है क्योंकि अमरीका ने अपने सबसे बड़े हरीफ चीन को हर हाल में रोकना है और चीन के सुपर पावर बनने की राह में रोड़े अटकाने वालों के खिलाफ डटकर खड़ा होना है। दोस्तों, चीन की सपोर्ट करने की राह में जो कोई भी आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो रूस, उनके लिए अमेरिका ने कार्रवाई करनी ही करनी है। पाकिस्तान में बदअमनी से कुछ कुव्वतों के मफादात वाबस्ता हैं। अब देखना होगा कि अगर वज़ीरे आज़म इमरान खान को अपने बयानात पर अमल दरामद करना है और अफगानिस्तान की खाना जंगी की आग को पाकिस्तान की सरहदों के उस तरफ रोकना है तो मैं फिर वही बात करूंगा कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को एतमाद में लें और नई खारजा खसूसन अफगान पॉलिसी बनाएं। बसूरत दीगर पाकिस्तान के लिए वो करना मुश्किल होगा जो वज़ीरे आज़म इमरान खान कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।